बहुत ही करप्ट इमिग्रेशन है। कहता है तुम्हें 1000 डॉलर दिखाने पड़ेंगे तभी जाओगे। मैंने कहा यार मैं 1000 डॉलर तो क्यों ही रखूंगा इतने ज़्यादा रुपए। सबसे बड़ा टेम्पल है, इसका नाम है एक्चुअल अंकोर वाट। ये समुद्र मंथन देख रहे हो, ये सारे लोग हैं ये सांप को खींच रहे हैं। बाकी जो तुमने वो बहुत फेमस है ना बुद्धा फेस, जिसमें तुम्हें दिखा होगा हर जगह अंकोर वाट का जो मेन वो रहता है वो बुद्धा फेस ही रहता है, तो वो है यहाँ। भाइयों और बहनों, आज है एक नया दिन और आज मैं लाओस से निकल रहा हूँ। पहले यहाँ से फेरी लेंगे डॉन्डेट के लिए और फिर डॉन्डेट से स्टेंग ट्रंग करके एक बॉर्डर पोस्ट है वहाँ जाएंगे, इमिग्रेशन का ठप्पा लगवाएंगे और फिर निकल जाएंगे कम्बोडिया में सियाम रीप, जहाँ पर एंकोर वाट है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया सियाम रीप जा रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के मैं साथ हूँ ना वो लोग भी वहीं जा रहे थे। फिर कल रात को मैंने उन्होंने बोला यार वहीं चल लेते हैं, तो मैंने कहा चल ठीक है, तो फिर वहाँ जाएंगे। लाओस से पार कर लिया बॉर्डर, स्टैंप लगा दी उन्होंने, 2 डॉलर लेते हैं इधर। मैंने उसे मेरे बोला कि नहीं मेरे पास तो 2 डॉलर नहीं है भाई, मैं तुझे ये दे देता हूँ कीप। बोलता है नहीं भाई 2 डॉलर दे, नहीं तो तू कंबोडिया के पहले वहाँ जा और देख क्यों तेरे को वीज़ा देंगे कि नहीं। इस साइड देखो है कंबोडिया, अब यहाँ पे असली गेम चलेगा भाई, क्या होता है कितने डॉलर लेते हैं भगवान जाने, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट देखते हैं और फिर नाटक करते हैं भाई लोगों। ये है देखो कंबोडिया की इमिग्रेशन, बहुत ही करप्ट इमिग्रेशन है, बट क्या करें जो भी है ये तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 10 डॉलर दिए एज ए करप्शन, कह रहा था कि भाई तुम नहीं जा सकते, तुम्हें 1000 डॉलर दिखाना पड़ेगा। और एक नेपाली बंदा भी था बेचारा, अपनी जर्मन गर्लफ्रेंड के साथ, उसको भी रोक लिया था हम दोनों की बस। कहता है तुम्हें 1000 डॉलर दिखाने पड़ेंगे तभी जाओगे। मैंने कहा यार मैं 1000 डॉलर तो क्यों ही रखूँगा इतने ज़्यादा रुपये। मैंने कहा बैंक में, नहीं 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 नाटक कर रहा है कुछ करो। फिर मैंने बोला भाई मेरे पास 10 डॉलर हैं। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, इमिग्रेशन ऑफिसर सर काफ़ी चलता, कह रहा था तुम्हारे पास होटल बुकिंग है। मैंने कहा नहीं। कहता है फिर उसने देखे दूसरे नेपाली बंदे के उसमें 20 डॉलर, कहता है ऐसे ही कर दो तुम भी। मैंने कहा देखो 10 है मेरे पास। कहता है चलो ठीक है, तो जाने दिया। तो क्रॉस कर लिया, थोड़े दिन यहाँ रुकेंगे। ये रहा अपना हॉस्टल, सुबह के बज रहे हैं 5। मन कर रहा है कि भाई सो जाऊं, लेकिन आज हम जा रहे हैं अंकोर वाट, बहुत ही बहुत फेमस जगह है ना अंकोर वाट। एक दिन का टूर करने वाले हैं। ये टिकट देख रहे हो, ये 1 डे टिकट है फॉर 37 डॉलर्स। और यहाँ कहीं हम जा रहे हैं, यहाँ पे पता है क्या है, सन राइज पॉइंट है ये अंकोर वाट का। बाकी ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही अंकोर वाट है। 8 बजे तक उसने बोला है कि तुम यहाँ घूम सकते हो, हमने वो टुक टुक लिया है ना, वो पड़ता है पर पर्सन 8 डॉलर। पूरा दिन हम घूमेंगे सन सेट तक। इस तरफ लेक है, इस तरफ लेक है और हम जा रहे हैं एकदम सीधा। बाकी भाई सनराइज़ जो हुआ वो सनसेट भी हो गया, और यहाँ पे बारिश हो गई यार। मतलब टाइमिंग देख रहे हो तुम, मैं पहुँचा और यहाँ बारिश हो गई। थोड़े दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी और आज बारिश, वाह बेटे मौज करा दी। चलो एनीवेज चलते हैं इधर, देखते हैं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। स्वागत है आपका अंकोर वाट में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और दुनिया का 8वां अजूबा। इसका निर्माण 12वीं सदी की शुरुआत में खेमर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ये मंदिर अपने निर्माण के समय विष्णु भगवान को समर्पित था, लेकिन 12वीं सदी के अंत में इसे बुद्धा मंदिर बदल दिया गया। एक बंदा था गाइड, वो बता रहा था उधर किसी को तो, कि पहले यहाँ पे ऐसे हिंदू विंदू लोग रहा करते थे, अब तो सब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं। भाई तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिखेगा अभी, बड़ा ही खतरनाक सा कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ। ये है मेन टेंपल, और यार ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है। यहाँ पे कुछ शिवा टेंपल्स भी हैं ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन ये उसने बताया कि ये शायद सबसे बड़ा टेंपल है, इसका नाम है एक्चुअल अंकोर वाट। वाओ विष्णु जी गॉट सम स्वैग। हम एंटर करेंगे और अंदर से देखते हैं कैसा है टेंपल विष्णु जी का। तुम यहाँ से एंटर करते हो ना, ऐसे कुछ सेक्शन है, क्या होता होगा ये, पॉन्ड होता होगा, और पिलर्स हैं उन पे कुछ पैटर्न वैटर्न बने हुए हैं, तो इस पिलर पे भी बना हुआ है, कुछ लिखा भी हुआ है यार, ये किस भाषा में लिखा है, शायद ये कुछ कंबोडियन है, लेकिन ये सब ना ये ब्राह्मिक स्क्रिप्ट्स हैं। इंडिया में जो ओरिजिनेट हुई थी ना, इन्होंने उन्हीं को मॉडिफाई करके, जैसे थाई हो गया, लाओ हो गई, वियतनामीस तो नहीं पर थाई लाओ और शायद कंबोडियन, वो सब मिक्स ऑफ ब्राह्मिक स्क्रिप्ट है। ऊपर भी देखो तुम्हें नक्काशी दिख जाएगी, और यहाँ पे भी सेम पॉन्ड।
इस मंदिर का सेंट्रल टावर मेरू पर्वत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू और बौद्ध धर्म में मेरू पर्वत को दुनिया का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। पहले मंदिर में ना तुम यहाँ से चढ़ के जा सकते हो, गए टॉप पे चले जाओ, वैसे इस वाले के लिए भी वैसे उस वाले के लिए भी, लेकिन अभी तो बंद है, अब नहीं जा सकते तुम। अभी तुम इस मंदिर के अराउंड वॉक कर सकते हो। बाकी यार वैसे एक चीज़ और है कि मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ पे तुम गाइड लोगे ना तो ज़्यादा बेटर है, बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। जैसे फिर भी हमें तो माइथोलॉजी थोड़ी बहुत पता है, हिंदू माइथोलॉजी। यहाँ पे जैसे कई दीवारों पे वानर सेना, वो रामायण वाली स्टोरी है, कई जगह विष्णु जी हैं, कई जगह शेषनाग है, तो मतलब गाइड वाइड हो तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। यार मतलब बहुत ख़राब तो हो गया ये, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इन्होंने उस पर कार्विंग करी होंगी, नक्काशी करी होगी, तो सब गायब हो गई है। बारिश मेरे को लग रहा है वो भी एक रीज़न हो सकता है। अंकोर वाट की दीवारों में करी नक्काशी महाभारत और रामायण की कहानी सुनाती है। इससे पता लगता है कि सनातन का विस्तार पूर्व में बहुत ही मजबूत था। अंकोर वाट की सबसे फेमस जगह है पूर्वी दीवार, जहां 45 मीटर चौड़ी दीवार पर समुद्र मंथन की नक्काशी बनी हुई है। इसमें 92 असुर एंड 88 देवता अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार ये, कई बार तो समझ ही नहीं आता भाई तुम किधर से निकलो, कहाँ से क्या चल रहा है। अंकोर वाट वाला टेम्पल, इसके आगे हम जाएंगे अंकोर फॉर्म करके एक जगह है, वो है जहाँ पे वो फेमस एक मूर्ति है ना जो फेस की, बुद्धा फेस है जो बड़ा सा, जो जनरली तुम्हें अंकोर वाट के हर जगह फ़ोटोज़ में दिखता है कि भाई ये है अंकोर वाट, वो वहाँ पे है। तो इस तरफ से हम आए थे ना, यहीं से जाएंगे, टुक टुक वाला मिलेगा हमें। अंकोर वाट से आगे निकलने के बाद हम पहुँचे बायोन टेम्पल, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ जगह है। ये मंदिर बुद्धा को समर्पित है और इसका निर्माण 12वीं सदी के अंत में राजा जयवर्मन 7th ने करवाया था। इस मंदिर में 216 स्माइलिंग बुद्धा हैं, जो कि राजा जयवर्मन 7th ने अपने और बुद्धा के फेस को मिलाकर बनवाए थे। ये इसका मेन एरिया है और यहाँ पे देखो वो सारे फेसेस हैं, वहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे कार्विंग्स भी हैं, ये कार्विंग देख रहे हो, अपने साउथ इंडिया में इसी स्टाइल की कुछ कार्विंग्स रहती है ना, इस साइड भी देखो, इस साइड भी। बाकी अगेन मतलब वही दूसरा वाला सेक्शन, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, अंदर जाएंगे इसके बाद यहाँ से। ओ शिवलिंग दिख गया मुझे भाई, आई सी अ शिवलिंग, ये देखो भाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देखो यहाँ पे पानी भी है थोड़ा सा शिव जी को। यार यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग्स हैं, ये देखो थोड़ा टूट गया है यार ये, कैसे देख रहे हो, गलियों वलियों से निकल रहा हूँ मैं, यहाँ से अंदर आ गया मैं, टूटे हुए कॉलम्स, सॉरी मूर्तियाँ। यहाँ मैं अटक गया, डेड एंड, सड़ जाएंगे वो देखो। एक लग रहा है ये टेंपल है जो शिव जी का मेन टेंपल है, जो मैप्स में दिखा रहे थे ना, वैसे तो यहाँ पे मेरे को पूरा शिव जी का ही दिख रहा है। अंकोर वाट में जैसे विष्णु जी का बहुत था ना, यहाँ पे पूरा शिव जी का लग रहा है। ऊपर देखो कितने सारे चमगादड़ हैं, उनकी शिट है ये, इसने इसको संभाल के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो ऊपर है ना, ऊपर वाला फ्लोर अभी बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कंजर्वेशन का काम चालू है, तो अभी तो वो बंद है, तो ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही घूमेंगे। यार जब तुम इधर घूमने आओ ना, पता मेरा सजेशन क्या रहेगा, या तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर घूम लो पूरा और फिर बाहर से देख लो पूरा, आई गेस वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अंदर बाहर कर करके दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ ही नहीं आता भाई तुम किधर से आ रहे हो किधर से निकल रहे हो। यार यहाँ पे वो जो समुद्र मंथन नहीं है, उसकी पूरी स्टोरी है, और ये पेंटिंग इन्होंने हर जगह लगाई हुई है, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह। और यार मैं अब मेरे को पक्का क्लियर नहीं है, लेकिन कोई तो एक गाइड था, वो किसी को बता रहा था कि पहले ये मतलब पुराने टाइम पे ये लोग पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे, फिर ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, तो फिर जब ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए तो जो इनके बुद्धा की जो कार्विंग्स थे वो इन्होंने ऐसे मतलब जब वो हिंदुइज्म में हो गए तो उन्होंने बोला या पता नहीं किसने बोला, उसको तोड़ दिया, उसकी जगह शिवलिंग बना दिए। मैंने टूटा फूटा तो देखा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शिवलिंग को तोड़ के बुद्धा बनाए हैं या बुद्धा को तोड़ के शिवलिंग बनाए हैं। यहाँ पे देखो एक स्टोरी लिखी हुई है, यहाँ पे एक्चुअली विष्णु जी का भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये विष्णु सेक्ट के भी थे ये लोग। ये राइट साइड में है ना, ये चाम आर्मी है, और ये
लेफ्ट साइड में खिमेर आर्मी है, मतलब कंबोडियन जो है वो खिमेर एम्पायर था। और ये सब क्या ये हैं तो वैसे दूसरे मतलब एक दूसरे से फाइट वाइट करते हैं, लेकिन ये एक दिन है जब ये सेलिब्रेट करते हैं विष्णु जी को। तो यहाँ पे विष्णु जी ना गरुड़ा फॉर्म में है, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, ये रे शायद ये रे विष्णु जी गरुड़ा फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लोग ये दोनों ही विष्णु जी के, क्योंकि विष्णु सेक्ट के थे ना ये दोनों ही, तो इन ये वॉर भी ऐसे करते थे रूल्स के साथ कि भाई सनराइज में चालू करेंगे और सनसेट में हम वॉर ख़त्म कर देंगे, फिर और नहीं करेंगे। और जब इनके जो भी विष्णु कैलेंडर के हिसाब से जब कोई फेस्टिवल होता था विष्णु जी का, तो ये लोग उसको मिलके मनाते थे, जैसे कि अभी तुम्हें दिख ही रहा है इस वाली पेंटिंग में भी। शिव जी को समर्पित बफून मंदिर का निर्माण लगभग 1000 साल पहले सूर्यवर्मन फर्स्ट ने करवाया था, और यह उस समय का सबसे प्रमुख मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। पीछे सीढ़ी से चढ़ के आए ऊपर, तुम्हारी मर्जी है, ऊपर चले जाओ या पहले गोल घूम लो। मैंने सोचा मैं थोड़ा गोल घूम लेता हूँ। बाकी भाई बहुत ह्यूमिडिटी है, अब तो सूरज भी निकल गया, आंखें मेरी खुली नहीं रही है, एक तो नींद भी वैसी आ रही है और ऊपर से सूरज ने ऐसी की तैसी कर दी है भाई। ओ यहाँ पर थोड़ा सा आराम है यार, देखो कितना सही है। इस मंदिर की मरम्मत के लिए एक बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया का प्रयोग किया है, जिसे बोलते हैं एनेस्टाइलोसिस, जिसमें ओरिजिनल मंदिर के पत्थरों को एक पहेली की तरह दोबारा से सुलझाया जाता है। इसी के चलते इसे लार्जेस्ट 3D जिग्सॉ पजल इन द वर्ल्ड माना गया। आगे चलकर इस मंदिर को भी बुद्धिस्ट मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ से चढ़े हम, पहुँच गए ऊपर। भाई तुम ऊपर नहीं जा सकते, मेरे को लगा था ऊपर जा सकते हो, बट सारी जगह से बंद है ये। भाई हो गए बफोन टेम्पल कम्प्लीट, अब हम जाएंगे नीचे। देखो यहाँ पे लास्ट टाइम देख लो सांप वाँप बने हुए हैं।